तो टॉपिक है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इट्स फॉल, क्योंकि फ्रीली फॉल जो बॉडी होती है वो अंडर ग्रेविटी गिरती है एंड ग्रेविटी की फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो एग्जाम्पल है कि आप एक बॉडी लो और ड्रॉप करो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, नीचे 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 ग्राउंड पे गिर गई, और जब ये एच हाइट पर गिरी तो मान लो जब ए पॉइंट पर थी तो इसकी टोटल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल क्या थी, एम जी एच, काइनेटिक क्या थी, जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या है, एम जी एच, पॉइंट नंबर वन क्लियर। जब ये रास्ते में बी पॉइंट पर आई तो इस हवा में इसके इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या थी, वी, और मान लो डिस्टेंस इसने कितना कवर कर लिया, एक्स। तो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, एम जी इंटू एच माइनस एक्स, क्योंकि अगर टोटल एच है ये एक्स है तो हाइट क्या होगी, एच माइनस एक्स, पोटेंशियल क्या होगी, एम जी इंटू एच माइनस एक्स, और काइनेटिक क्या होगी, यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर, लिख लिया। अब यहां पर वी कैसे निकलेगा, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू जी एक्स, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल है, एक्स। तो मोशन का फॉर्मूला लगाया, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू जी एक्स, इस वी स्क्वायर को यहां पुट किया काइनेटिक में, टू जी एक्स, टू से टू कैंसल, इसे ओपन किया एम जी एच माइनस एम जी एक्स और एम जी एक्स, ये कैंसल, आंसर फिर से क्या आ गया, एम जी एच। तो यानी कि आपने क्या किया, बी पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक ली, पोटेंशियल आपने ली एम जी इंटू एच माइनस एक्स, काइनेटिक में वेलोसिटी वी निकाल ली, और वी की वैल्यू को, और वी की वैल्यू को यहां पुट कर दिया आंसर। फिर एक और पॉइंट लिया सी पॉइंट, सी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो, ग्राउंड पे गिर गई, और वेलोसिटी कितनी हो गई, वी डैश। तो एच डिस्टेंस से नीचे गिरी तो पोटेंशियल कितनी हो गई, जीरो, काइनेटिक कितनी, हाफ है वी डैश स्क्वायर, और वी डैश निकालो, वी डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू जी एच, क्योंकि एच हाइट से गिरी, इस वी डैश स्क्वायर को यहां पुट करो, टू जी एच, टू से टू कैंसिल, आंसर फिर से क्या आ गया, एम जी एच। तो आप यानी कि हवा में कोई पॉइंट ले लो, टॉप पे ले लो, बॉटम पे ले लो, टोटल एनर्जी का सम हर केस में क्या आ रहा है, एम जी एच। तो इससे प्रूव हो रहा है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल रिमेन कॉन्स्टेंट, तो ऐसे प्रूव किया जा सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये ज़्यादा बेटर प्रूफ है मेरे को लगता है टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट करने का, ठीक है। ग्राफ है, कह रहे प्लॉट करो ग्राफ, जब फ्री फॉल हो रहा होगा काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल एनर्जी कैसे चेंज होगी। देखो टोटल एनर्जी तो हर वक्त ही कांस्टेंट रहेगी, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जब हाइट बढ़ रही होगी पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जब हाइट कम हो रही होगी पोटेंशियल गिरेगी, जीरो, और काइनेटिक बढ़ेगी, मैक्सिमम। तो ग्राफ समझ में आ रहा है, हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल बढ़ेगी, हाइट कम होगी पोटेंशियल कम होगी, ठीक है यहाँ तक। इसी के अंदर एक और चीज बताना चाहता हूँ, सपोज एक ऑब्जेक्ट को आपने नीचे गिरा, तो मुझे पता है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल रिमेन सेम। मान लो पोटेंशियल की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पर यहां पर 10 जूल है, तो काइनेटिक यहां पर क्या है, जीरो, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो, तो काइनेटिक पक्का कितनी हो जाएगी, 10 जूल, टोटल विल रिमेन सेम। उसी तरीके से रास्ते में पोटेंशियल 6 जूल है तो काइनेटिक को क्या होना पड़ेगा, 4 जूल, टोटल विल रिमेन सेम। इन दो दोनों का सम टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर मैक्सिमम है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज टोटल एनर्जी। फिर देखो, जब पोटेंशियल जीरो है तो काइनेटिक मैक्सिमम है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में टोटल एनर्जी यूज करेगा, कभी कभी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यूज करेगा, कभी कभी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा, बात तीनों की एक ही है। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एकदम जीरो है। तो क्या ये रूल याद रहेगा यहां तक?